में ईडी ने 6 लोकेशंस पर देखी छापेमारी की है, जहां पर 20 से 30 करोड़ रुपए कैश ईडी ने बरामद किया है। और देखिए मंत्री आलमगीर के पीएस के नौकर के घर पर ये छापेमारी, नौकर के घर से 500 की गड्डियां बरामद की गई है। मंत्री आलमगीर और पीएस से भी पूछताछ की जानी चाहिए। तो देखिए बड़ी संख्या में ये कैश बरामद किया गया है। झारखंड से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर ईडी ने छापेमारी की है। और यहां पर मंत्री आलमगीर आलम झारखंड के मंत्री हैं, ये ग्रामीण विकास मंत्री। और इनके यहां पर देखिए आप नोटों का, ये नोटों का पहाड़ आप देख सकते हैं, 20 से 30 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, जानकारी निकल कर सामने आ रही है। बैंक कर्मचारियों को बुलाया गया है, मशीन से देखिए नोट गिनने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। तो रांची में ये अलग अलग छापेमारी की गई है, 20 से 30 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। तो झारखंड में मंत्री है आलमगीर आलम और उनके निजी सचिव के नौकर के यहां से बड़ी संख्या में कैश आप देखिए बरामद किया गया है, और नोटों का ढेर आप देख सकते हैं। तो ईडी ने ये बड़ी संख्या में कैश बरामद किया है, 20 से 30 करोड़ रुपए कैश बताया जा रहा है, और इसकी गिनती लगातार की जा रही है। और 6 अलग अलग लोकेशन पर ईडी ने छापेमारी की है, रांची में, देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से, जहां पर ईडी ने 6 लोकेशन पर छापेमारी की है और बड़ी संख्या में कैश आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये बड़ी संख्या में कैश बरामद किया गया है। नोटों का ढेर यहां पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, 20 से 30 करोड़ रुपए कैश बताया जा रहा है। तो नोट गिनने की प्रक्रिया लगातार जारी है। रांची से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर ईडी ने ये बड़ी छापेमारी कर कैश बरामद किया है। तो नोटों का ये पहाड़ आप देखिए, झारखंड से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर झारखंड में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहां पर ये इतनी बड़ी संख्या में कैश मिला है। तो ईडी की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है, झारखंड से ये तस्वीरें आप देखिए सामने आ रही हैं। रांची में 6 लोकेशंस पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है, जहां पर मंत्री के निजी सचिव के नौकर के यहां पर ये नोटों का पहाड़ मिला है। चलिए इस बुलेट